ब्लॉग का, और ये भी एक क्रिएटर है, उन्होंने भी स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, अपना चैनल का नाम क्या है, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट करें भैया का, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इनको आगे से आगे आप भी फॉरवर्ड करते रहे ताकि भैया कहीं भी जाए तो इनको सपोर्ट मिलता रहे। मुझे को बहुत लंबी लिफ्ट मिल गई और वो भी बाइक के ऊपर, तो मेरे पास हेलमेट है तो कोई टेंशन नहीं है, और बाइक पे मुझे पहली बार इतनी लंबी लिफ्ट मिली है तो ये मेरे को हमेशा याद रह जाएगा। तो जबरदस्ती मेरे पास खाना खाना ही पड़ेगा, खाओ खाओ, फिर मैंने जैसे जैसे करके कचौरी मंगवाई, खाई नहीं जा रही थी क्योंकि मेरा पेट फुल हो चुका था। तो फाइनली मेरे को लिफ्ट मिल गई, मैं गलत रास्ते चला गया था, भीलवाड़ा वाला रास्ता था, तो वो अगली लिफ्ट जो मेरे को मिली थी वो वहाँ पर उतारा था, तो वहाँ पर मैंने ढाबे वाले को पूछा कि भाई ये रास्ता अजमेर जाता है, तो ढाबे वाले ने मेरे को कहा कि हाँ वो जाता है, और मोस्ट ऑफ पब्लिक वो इस रास्ते से जाती है। तो फिर मैं पैदल चला एक किलोमीटर का, आधा किलोमीटर पता नहीं, तो इस हाईवे को आगे मैं कनेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर मैं लगभग आधा घंटा खड़ा रहा, उसके बाद इन भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दे दी, तो थैंक यू आपका। और ये भी एक क्रिएटर है, उन्होंने भी स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, अपना चैनल का नाम क्या है, लव परिवार ब्लॉग्स, तो आपने सुन लिया, अगर मैं नीचे लिख दूंगा अगर, तो इनको भी आप सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट, ये मुझे थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट करें भैया का, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इनको आगे से आगे आप भी फॉरवर्ड करते रहे ताकि भैया कहीं भी जाए तो इनको सपोर्ट मिलता रहे। तो हमको छोटी सी मस्त लिफ्ट मिल गई, आगे चलते हैं, आप हमारे अजमेर आज तो पॉसिबल, देखते होता है कि नहीं होता, तो चलो कंटिन्यू आगे करते हैं। कल ने मेरे को कहा कि ये झील बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, तो मैं यहाँ इसको देखने के लिए आ गया, इसका व्यू पॉइंट थोड़ा आगे है, थोड़ा पता नहीं कितना आगे, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि फिर मेरे को बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, यही रास्ता वो आगे जाता है, तो आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ कि वो झील, वो कह रहे थे दूसरे नंबर की है यहाँ पर सबसे फेमस झील, तो बस अब मैं यहीं से, मेरे को तो अच्छा दिख रहा है, आपको फ़ोन से नहीं दिख पा रहा होगा अच्छा, बाकी ऐसे आँखों से तो बहुत अच्छा भी आता है, अब मैं वहाँ नहीं जा रहा, मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि अब फिर मेरे को यार बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो चलो चलते हैं, अब अजमेर के ट्रिप को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आखिरकार मुझे को भाई साहब ने लिफ्ट दे दी, तो धन्यवाद आपका, और यहाँ से अब मैं आगे जाने वाला हूँ, तो मेरे को 10-15 किलोमीटर के बीच में भी लिफ्ट मिल गई, तो अच्छा हो गया, और अब यहाँ से भी अपनी जर्नी बहुत दूर है, तो आगे जाकर और लिफ्ट मांगते हैं, तो धन्यवाद आपका, ऑल द बेस्ट, चलो चलते हैं आगे। तो फाइनली मेरे को लिफ्ट मिल गई, इन भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दी है, ये करीब 100 किलोमीटर से भी आगे जाने वाले हैं, तो मुझे को बहुत लंबी लिफ्ट मिल गई और वो भी बाइक के ऊपर, तो मेरे पास हेलमेट है तो कोई टेंशन नहीं है, और बाइक पे मुझे पहली बार इतनी लंबी लिफ्ट मिली है तो ये मेरे को हमेशा याद रह जाएगा। तो थैंक यू भाई आप मुझे लिफ्ट देने के लिए, और यहाँ पर अभी हम चाय पीने के लिए रुके थे और अभी बस जा रहे हैं, तो मेरा बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर हो जाएगा यार, बस मज़ा आ गया भाई मेरे को, तो चलो आगे चलते हैं। तो वो जो भाई साहब थे वो मेरे को यहाँ पर उतारा, इस जगह का नाम है बरला चोरा, कैसा कुछ नाम है इनका, बरला चोरा कुछ, तो उन्होंने कुछ मेरे को 100 किलोमीटर के करीब उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी, उन्होंने मेरे को पिकअप किया था कुछ केलवा, कहाँ गया, केलवा से उन्होंने मेरे को पिकअप किया था, केलवा से थोड़ा आगे, तो भाई बहुत लंबी लिफ्ट दी उन भाई साहब ने, और यहाँ उतरा ये भाई साहब मिल गए मेरे को, तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है। आप कहाँ तक जाएंगे, जेवाजा, तो ये जेवाजा तक जाएंगे, तो मैं मैप में देख लूंगा मेरा कितना डिस्टेंस होता है, क्योंकि मैं जैसे ही आया रोड पे मैंने हाथ दिया तो उन्होंने खड़ा रख दिया गाड़ी को, तो मेरे को सीधे लिफ्ट मिल गई, 5 मिनट भी नहीं हुआ मैं उतरा था, 2 मिनट और 3 मिनट हुआ होगा, तो जल्दी लिफ्ट मिल गई, तो आज कुछ ज़्यादा ही मेरा डिस्टेंस कवरेज हो कवर हो जाएगा, तो बस चल रहे हैं देखो। तो भाई साहब ने मेरे को छोटी सी लिफ्ट दी चिलियाबरी तक, ये गांव का नाम है, तो वो बोल रहे थे 20 किलोमीटर होगा, पता नहीं कितना अभी होगा, मैंने देखा नहीं, तो जो भी होगा 25, अच्छी खासी लिफ्ट मिल गई, अब यहाँ से 77 किलोमीटर कुछ है अजमेर, तो एक सेकंड देख लेता हूँ, 77 किलोमीटर है मेरी अभी की लोकेशन से। तो मेरे को एक और लिफ्ट मिल गई है, तो जो मैंने आपको पीछे ट्रक का लिफ्ट दिखाया था, तो वो लिफ्ट मेरे को वो जो गांव का नाम था वो एक पास वाले गांव का नाम था, तो वो जवाजा का के गांव था जो ट्रक वाले भैया ने मेरे को उतारा था, और इससे पहले जो बाइक वाले भैया जो थे उन्होंने मेरे को फ्री में खाना भी दिया था और चाय भी पिलाई थी,
तो चाहे तो आपको मैंने दिखाया था उसका व्यू, पर खाना खिलाने का मैं बताना भूल गया था। तो दोपहर का खाना उनकी तरफ से मेरे को था, तो फिर वो अपने अपने जगह को जाना था, वहाँ उतर गए, मेरे को छोड़ दिया। फिर मेरे को ट्रक मिल गया, ट्रक जहाँ उतारा मेरे को जवाजा में, वहाँ से मेरे को एक और बाइक वाले भैया मिल गए। तो उन्होंने मेरे को ब्यावर कुछ नाम था, वहाँ तक उतारा। और वहाँ पर उन भाई साहब ने एक स्टोर में जाके मेरे लिए खाना, मेरे को मतलब उन्होंने जबरदस्ती मेरे पास खाना खाना ही पड़ेगा, खाओ खाओ। फिर मैंने जैसे तैसे करके कचौरी उन्होंने मंगवाई, खाई नहीं जा रही थी क्योंकि मेरा पेट फुल हो चुका था। फिर भी मैंने कचौरी जैसे तैसे खा ली और थोड़ी बच भी गई। अब क्या कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती कितना भी खाऊँ नहीं खा सकते ना। तो उन भाई साहब ने भी मेरे को थोड़ा खाना कचौरी वगैरह खिला दी। फिर वहाँ पर खड़ा रहा एक दो मिनट और ये भाई साहब मेरे को मिल गए। तो थैंक यू भाई लिफ्ट देने के लिए। तो बस अभी जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं और मेरे को बीच में अजमेर आएगा तो वहीं छोड़ देंगे। तो मैंने सोचा नहीं था आज मेरी इतनी लंबी लिफ्ट मतलब कंप्लीट हो जाएगी, 300 किलोमीटर का कुछ था हाँ ये जर्नी मेरी आज उदयपुर से अजमेर का। तो यार बहुत लंबी थी, तो मिल गई यार, मतलब किस्मत है। तो बस जा रहे हैं अब, तो अब देखता हूँ ऑनलाइन के हॉस्टल वगैरह या कुछ हो पाता है रहने का, तो देखते हैं। टेंट वगैरह अपने पास तो है ही, तो यार मज़ा आ गया यार। तो चलो, अरे यार दिक्कत हो गई ऑनलाइन अजमेर में, कोई ऐसा मेरे बजट में हॉस्टल या होटल बुक ही नहीं हो पा रहा यार, बहुत बजट बाहर है मेरे यार।